बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। अगर आप लोगों ने ओवरऑल पाकिस्तान से पाकिस्तान सिंध रेंजर्स में किसी भी पोस्ट यानी सिपाही जनरल ड्यूटी, सब इंस्पेक्टर, खतीब, हवालदार, नायक, जिस भी पोस्ट का आपने रिटर्न यानी तहरीरी इम्तिहान देना है, तो ये सभी पोस्टों के लिए ये वीडियो हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में अक्सर पास्ट पेपर रिपीटेड क्वेश्चन, जो पास्ट टेस्टों में भी अक्सर क्वेश्चन आ चुके हैं, इस वीडियो में फुल तफसील के साथ डिस्कस होने जा रहे हैं। काफ़ी बड़ी और काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इससे आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सवाल नंबर एक है, पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी किस पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है? को हिमालया, को कराक्रम, को सुबानू या को हिंदूकश? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, को हिमालया। पाकिस्तान की जो दूसरी बुलंद तरीन चोटी है नांगा पर्वत, जो कि हिमालया रेंज में वाक़ है। तो पाकिस्तान की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है K2, और वो किस रेंज में वाक़ है? वो को कराक्रम रेंज में वाक़ है। तो हिंदूकश रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है तर्चमीर। अगर बात करें पूरी दुनिया की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल तिब्बत में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हेडक्वार्टर डैश में है, यानी IMF का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वाशिंगटन, लंदन, क्लिफ्टन या न्यूयॉर्क? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, वाशिंगटन DC में। यानी जो IMF का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में है। अगर बात करें इकवाम मुतहदा यानी UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। तो UNO बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को UNO बनी थी। तो इंटरनेशनल मिलिट्री का फंड कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसम में खून की कुल मकदार करीबन -1 लीटर होती है, 5 से 6 लीटर, 6 से 7, 8 लीटर या 3 से 4 लीटर? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, 5 से 6 लीटर। यानी आम जो जवान इंसान होता है उसमें जो खून की तकरीबन मकदार होती है 5 से 6 लीटर। अगर मतलब है कि सिर्फ 5, 6, 7, 8 आए तो आपका जवाब 5 होगा। तो अगर 5 से 6 या 6 से 7 इस तरह ऑप्शन में हूँ तो फिर 5 से 6 लीटर आपका राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्जा हरारत की पैमाइश डैश से की जाती है, थर्मामीटर, नैनोमीटर, बैरोमीटर या इलेक्ट्रोमीटर? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, थर्मामीटर। जो दर्जा हरारत की पैमाइश ये थर्मामीटर के जरिए की जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर की करेंसी डैश है, तो कतर की जो करेंसी है वो है बी ऑप्शन राइट है रियाल, कतर की करेंसी है रियाल। और अगर बात करें बांग्लादेश की करेंसी टका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़े सियारे का नाम, तो जो सबसे बड़े सियारे का नाम है मश्तरी, सबसे बड़े सियारे का नाम है मश्तरी, इंग्लिश में जुपिटर। अगर बात करें सबसे छोटे सियारे का नाम वो है मरकरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक पतन का पुराना नाम डैश था, तो पाक पतन का पुराना नाम था अजोधन, बी ए ऑप्शन राइट है अजोधन, पाक पतन का पुराना नाम था अजोधन। अगर बात करें महमूदपुर, तो ये लाहौर का पुराना नाम है, लाहौर का पुराना नाम है महमूदपुर। तो अगर बात करें लाइलपुर, तो ये फैसलाबाद का पुराना नाम है लाइलपुर। अगर बात करें शालकोट की, तो शालकोट जो है ये क्वेटा का पुराना नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में सूबे का आइनी सरबराह कौन होता है, गवर्नर, वज़ीर आला, हाईकोर्ट या सेक्रेटरी? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, गवर्नर। पाकिस्तान में जो सूबे का आइनी सरबराह होता है गवर्नर होता है, लेकिन जो इंतजामी सरबराह होता है वो वज़ीर आला होता है। ये आपने याद रखना, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाकिस्तान में सूबे का आइनी सरबराह गवर्नर, और इंतजामी जो इंतजाम वगैरह करता है पूरे सूबे का, जो इंतजामी सरबराह होता है वो वज़ीर आला होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा सरतरीन मकाम कौन सा है, मरी, जैकबाबाद, अस्करदू या ज्यारत? तो इसका राइट आंसर बनता है सी ऑप्शन, ज्यारत। पाकिस्तान का जो सबसे सरतरीन मकाम है वो है ज्यारत। लेकिन अगर बात करें पाकिस्तान के किस मुकाम में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो अस्करदू में सबसे ज़्यादा बर्फबारी होती है, और सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं मरी में, सबसे ज़्यादा बारिशें होती हैं मरी में। अगर बात करें जैकबाबाद, ये पाकिस्तान का गर्म तरीन इलाका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीकोट का किला कहाँ वाक़ है? तो रानीकोट का जो किला है वो हैदराबाद में वाक़ है, भावलपुर, लाहौर या ठट्ठा? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, हैदराबाद। रानीकोट का किला जो है वो हैदराबाद में वाक़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामने कोह कहाँ वाक़ है? तो दामने कोह अयोबिया में वाक़ है, मरी, इस्लामाबाद या रावलपिंडी? तो इसका राइट आंसर बनता है, जो दामने कोह है ये इस्लामाबाद में वाक़ है, सी ऑप्शन राइट है, जो दामने कोह है ये इस्लामाबाद में वाक़ है। तो इस्लामाबाद मतलब किसी भी सूबे में नहीं आता, तो इस्लामाबाद एक अलग से मतलब कि इस अगर इस्लामाबाद का एरिया पूछा जाता है, इस्लामाबाद का जो 906 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, ये आपने याद रखना है। तो दामने कोह कहाँ वाक़ है? इस्लामाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के सबसे पहले सेनेट के चेयरमैन का नाम, यानी सेनेट का चेयरमैन जो सब पाकिस्तान का जो सबसे पहला सेनेट का चेयरमैन था उसका क्या नाम था? हबीबुल्ला खान, वसीम सज्जाद, फरूक हमीद या मियां मोहम्मद सोमरू? तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन, हबीबुल्ला खान। पाकिस्तान के जो सबसे पहले सेनेट के चेयरमैन थे हबीबुल्ला खान, और जो पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं वो ए ऑप्शन राइट है वसीम सज्जाद। वसीम सज्जाद सबसे ज़्यादा सेनेट के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के जो पहले सेनेट के चेयरमैन थे हबीबुल्ला खान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के इंतखाबात में कौन सी जमात कामयाब हुई? तो 1947 में जो इंतखाबात उसमें कांग्रेस की जमात कामयाब हुई थी, लेकिन 1949 में इन्होंने अपने अहदों से रिज़ाइन कर दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारिश के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है, इस्तस्का, खसूफ, चाशत या कसूफ?
तो देखें बारिश के लिए नमाज इस्तस्का पड़ जाती है, बी ऑप्शन राइट है, बारिश के लिए नमाज इस्तस्का पड़ जाती है। अगर बात करें चांद ग्रहण के वक्त कौन सी नमाज पड़ जाती है, नमाज खुसूफ पड़ जाती है, चांद ग्रहण के वक्त खुसूफ। अगर बात करें सूरज ग्रहण के वक्त नमाज कसूफ पड़ी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहरीन का दारुलहुकूमत डैश है, तो बहरीन का जो दारुलहुकूमत है वह है सी ऑप्शन राइट है मनामा, बहरीन का दारुलहुकूमत है मनामा। अगर बात करें वाशिंगटन डीसी अमेरिका का दारुलहुकूमत है, रियाज है सऊदी अरब का और ढाका बांग्लादेश का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कुरान मजीद में सूद को अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लम के साथ जंग करार दिया गया है, किस सूरत में मतलब बयान किया गया है, सूरत अल बकरा, सूरत अल अहज़ाब, सूरत अल मुहम्मद या सूरत अल माईदा। तो इसका राइट आंसर बनता है बी ऑप्शन सूरत अल बकरा। सूरत अल बकरा में ये मतलब इरशाद है बयान किया गया है कि कुरान मजीद के सूद को अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करार दिया गया है। अगर बात करें सूरत अल बकरा की, ये कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत है और सबसे छोटी सूरत अल कौसर है। और सूरत अल बकरा की अगर बात करें आयात की, तो सूरत अल बकरा की आयात कितनी है, 286 आयात हैं, जो सबसे छोटी सूरत है सूरत अल कौसर उसकी सिर्फ 3 आयात हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खानपुर डैम कहाँ वाक़ है, इस्लामाबाद केपी की, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध या पंजाब। तो इसका राइट आंसर बनता है जो खानपुर डैम है ये सी ऑप्शन राइट है खैबर पख्तूनख्वा में वाक़ है खानपुर डैम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मोटर कार की 7 माह के लिए औसत जो खपत है 110 लीटर है और अगले 5 महीनों के लिए यह खपत 600 लीटर है, तो इस गाड़ी की महाना औसत खपत क्या होगी, 150 लीटर, 100 लीटर, 120 या 96 लीटर। तो देखें एक मोटर कार की जो 7 माह की औसत खपत है 110, तो 110 को हम 7 के साथ ज़रब करेंगे तो जवाब कितना आएगा, 7 × 7 = 7, यानी 717 का जवाब आ जाएगा। आगे कह रहे हैं 5 महीनों की खपत ये कितनी है, 86 लीटर, तो हम 86 के साथ क्या करेंगे, 5 को ज़रब करेंगे तो 5 × 31 3 हासिल, 8 × 40 और 3 = 43, यानी 430। 770 में 430 को जमा करते हैं, 0 × 10 = 1 हासिल, 11 × 1 = 12, यानी 1200 मतलब लीटर की खपत है। तो देखिए हमें एक महीने की बनानी, एक सालाना कितनी है 1200, तो एक महीने की बतानी है तो बहुत ही सिंपल, एक साल में 12 महीने होते तो हम क्या करेंगे 1200 को 12 के साथ तकसीम कर देंगे, 12 × 12 = 12 और 2 0 यस के साथ लग जाएंगे, यानी 100 महानिया मतलब कितनी खपत है 100 लीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक दायरे का कुतर 7 सेंटीमीटर, तो इसका रदास क्या होगा, 2.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 या 3.5। देखें अगर एक दायरे का जो कुतर है वो 7 सेंटीमीटर है तो उसके हाफ में उसका रदास होगा, तो इसका राइट आंसर बताया डी ऑप्शन 3.5 सेंटीमीटर, यानी 3.5 सेंटीमीटर उसका रदास हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हज के लिए अहराम बांधना क्या है, फ़र्ज़, सुन्नत, मुस्तहब या वाजिब। देखें हज के लिए जो अहराम बांधना ये फ़र्ज़ है, हज के लिए अहराम बांधना फ़र्ज़ है और हज का फ़र्ज़ हुई थी, हज 9 हिजरी में फ़र्ज़ हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली जंग अजीम कब शुरू हुई, तो जो पहली जंग अजीम है ये इसका ऑप्शन राइट है 28 जुलाई 1914 को पहले जंग अजीम शुरू हुई थी, पहले जंग अजीम कब शुरू हुई 28 जुलाई 1914 को और पहले जंग अजीम ख़त्म कब हुई थी 11 नवंबर 1918 को। अगर बात करते चलें कि दूसरी, अगर बात करें दूसरी जंग अजीम की, तो दूसरी जंग अजीम कब शुरू हुई थी 1 सितंबर 1939 को दूसरी जंग अजीम शुरू हुई थी और दूसरी जंग अजीम है वो कब ख़त्म हुई थी 2 सितंबर 1945 को। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।